मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शादी में हर्ष फायरिंग की गई। दूल्हे के दोस्त हवाई फायरिंग करते हुए दूल्हे को मंडप तक लाए, इसका वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उपनगर मुरार का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग हवाई फायरिंग करते हुए दूल्हे को मंडप तक ले जा रहे हैं। ये लोग दूल्हे के दोस्त बताया जा रहा है। वीडियो शुक्रवार का है, जिसमें दिख रहा है कि दूल्हे के दोनों ओर चल रहे युवा फायरिंग कर रहे हैं। उनकी बंदूक का निशाना कभी नीचे की ओर तो कभी आसमान की ओर रहा। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्यपीठ समेत इंदौर, ग्वालियर और भोपाल खंडपीठ में 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू की जाएगी। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तर में बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ लिया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले दो दिन तक इसी तरह ठंड रहेगी। रविवार को एक नया सिस्टम बन रहा है, इससे तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनी चाहे जितने जतन कर ले, लेकिन बिजली चोर उससे दो कदम आगे रहते हैं। बिजली कंपनी 114 करोड़ खर्च कर अंडरग्राउंड तार बिछाने की तैयारी कर रही है कि बिजली चोरों ने पहले ही इसी तरीके से चोरी शुरू कर दी। इसका खुलासा पुराने शहर के स्टेशन बजरिया इलाके में हुआ। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।